नाम साइली है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ और उसी के साथ अन अकेडमी फाउंडेशन बैच 2025 में एनरोल हूँ। हेलो, मेरा नाम देवम मेहता है। मैं मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर जिले से बिलोंग करता हूँ एंड पिछले दो साल से मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ फ्रॉम अन अकेडमी। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और फ्रेश हो जाने के बाद मैं जल्दी से ऑनलाइन क्लास ले लेती हूँ और उसके बाद मैं कॉलेज के लिए निकल जाती हूँ। वीकडेज पे कभी कभार मेरी कॉलेज 8 से 10 या 8 से 12 या कभी कभार 9 से 3 होती है, तो बीच में 1 या 2 घंटे का मुझे ब्रेक मिलता है, उसमें मैं अपने बुक्स लेके आकर सेल्फ स्टडी करती हूँ। दो प्रकार के एस्पिरेंट्स होते हैं बेसिकली, एक मुर्गा प्रवृत्ति जैसा कहते हैं और एक पिशाच प्रवृत्ति जो रात को पढ़ते हैं। मैं दूसरे काइंड ऑफ उससे बिलोंग करता हूँ कि मैं पूरी रात पढ़ता हूँ, बिकॉज दिल्ली जैसे शहर में और मैं थोड़ा मेन रोड में रहता हूँ, काफ़ी ट्रैफिक और उसकी आवाज़ें आती है, तो इसलिए मैं पूरी रात अपना पढ़ता हूँ एंड अर्ली मॉर्निंग में मैं सोता हूँ। मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं अपने हेल्थ पे भी ध्यान दूँ और साथ ही साथ कॉलेज के साथ अपने ऑनलाइन क्लासेस भी मैनेज कर सकूँ। ऑनलाइन क्लास हो जाने के बाद मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं मेरा ब्रेकफास्ट बना लूँ, या तो मैं खाकर चले जाऊँ ऑमलेट या फिर मिल्क जो जल्दी बन सकता है। उठने के बाद हॉट वाटर लेने के बाद मैं करंट अफेयर्स के लिए मैं अपने न्यूज़पेपर एंड न्यूज़पेपर के साथ साथ मैं अलग अलग जगह से न्यूज़ सुनना प्रेफर करता हूँ, जैसे AIR का कोई सा ऑल इंडिया रेडियो से सुन लेता हूँ या फिर न्यूज़ कोई सी चल रही इंग्लिश न्यूज़ वगैरह, जहाँ से भी सोर्सेज जिस भी जगह से मुझे करंट अफेयर आता है मैं ले लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं मेरा ब्रेकफास्ट करता हूँ। ऑब्वियसली वो लंच टाइम होता है बट मेरे लिए वो ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में थोड़ा अपना तैयार होना स्टार्ट करता हूँ। इस सब चीज़ को करने में मुझे तकरीबन 2:30 बज जाती है एंड 2:30 बजे के बाद में मैं थोड़ा बहुत मेरा रिवीजन वगैरह कर लेता हूँ जो लास्ट क्लास में मैंने करा था एंड 4 बजे मैं रेडी हो जाता हूँ अपनी क्लासेस के लिए। मैं अन अकेडमी के सेंटर में जाता हूँ। मेरी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी ये रही है कि अभी मैं थर्ड ईयर के साथ साथ अपना कोचिंग कर रही हूँ। जैसे ही नेक्स्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन हो जाता है, मैं उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन ये दोनों साइड बाय साइड चालू रखूँगी, ताकि मेरा जो 2025 अटेम्प्ट है वो अच्छी से हो जाए। वैसे तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, बट मेरे तरफ से ये ट्राई रहेगा कि एटलीस्ट मैं सिलेबस का 70-80% कवर कर पाऊँ। मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक एस्पिरेंट को अपने टीचर्स की बहुत सुननी चाहिए एंड इस मामले में अनअकैडमी में मेरे टीचर्स ने काफ़ी मेरी हेल्प करी स्ट्रेटेजी बनाने में। खुद का भी योगदान रहता है, आपको अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है। सो यही मेरी बेसिक स्ट्रेटेजी यही है कि मैं दिसंबर तक कोर मेरा कंप्लीट कर लूँ और इसके बाद में टेस्ट सीरीज जनवरी से फोकस करूं एंड मार्च से मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करूं। प्लस टू में मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है और मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मेरा NEET UG क्लियर हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जब मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी तब मुझे UPSC के बारे में पता चला। मोस्टली पापा ने मुझे इसके बारे में बताया था। तब से ही मेरी इच्छा रही थी कि मैं दिल्ली आके UPSC की कोचिंग ज्वाइन करूँ और उसी के साथ साथ मेरा ग्रेजुएशन करूँ, ताकि मेरा थोड़ा टाइम बचे। DU के फॉर्म जब मैंने फिल किए तब मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया। मम्मी को और सबको मैंने मना लिया एंड देन आई केम हियर इन दिल्ली टू प्रिपेयर फॉर माई UPSC। सिविल सर्विसेज की बात की जाए तो मैंने ये डिसीजन 2020 में लिया था जब कोरोना आया था। आई बिलोंग फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली एंड मैंने अपनी फैमिली को अपने पेरेंट्स को काफ़ी सोशली एक्टिव देखा है। उस समय मैं काफ़ी लोगों की हेल्प करते देखा है, बट चूँकि मेरी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी MBBS करने के लिए, सो ऐसी कोई फील्ड जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ वो एक सिविल सर्विसेज थी। दैट्स व्हाई मैं UPSC में आया। सिविल सर्विसेज मुझे वो प्लेटफॉर्म देगा कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकूँ एंड दिस इज़ माई प्राइम मोटिवेशन टू बी इन द सिविल सर्विसेज। प्रेफरेंस की अगर बात की जाए तो माई प्रेफरेंस वुड बी IAS एक्चुअली, बिकॉज IAS के अंदर काफ़ी वर्सेटिलिटी है, आप एक ही चीज़ नहीं करते हो एंड मेरी हॉबीज़ भी काफ़ी रही हैं, जैसे एक्टिंग करना या फिर सिंगिंग करना, डांसिंग करना, स्केचिंग करना, गिटार प्ले करना। सो दो इसका रिलेशन ज़्यादा है नहीं IAS से, बट वर्सेटिलिटी के एंगल से आई थिंक आई कैन डू मल्टीपल टास्क एट अ टाइम एंड दैट्स व्हाई दैट गिव्स मी अ बूस्ट टू डू IAS। मेरा प्रेफर्ड सर्विस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, बाकी तो ऑनेस्टली मार्क्स पर डिपेंड करता है। इस वक्त 9 बज चुके हैं, मैं अपनी कोचिंग से आ चुका हूँ
बाय द टाइम मैं आता हूँ वहीं पर, मैं मेस में अपना खाना वगैरह डिनर वगैरह करके ही आता हूँ, और 9 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ अपना, एंड अराउंड 3-3.30 बजे तक मैं कंटिन्यूसली बैठता हूँ। इस पर मेरा शेड्यूल और फोकस मेन ये रहता है कि आज जो क्लास में कराया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रिविजन मैं करूँ प्रॉपरली, उसको अलग अलग बुक्स से कर लूँ ताकि एक फोमो ना रहे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड जैसे आज मैंने पॉलिटी पढ़ा है क्लास में, तो मैं लक्ष्मीकांत से भी पढ़ूंगा, सर के नोट्स से भी पढ़ूंगा, इंटरनेट पे भी थोड़ा जो करंट में उस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ चल रहा होगा वो भी देखूंगा, एंड उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जो मुझे मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे। वैसे तो क्लासेस कराती हैं बट स्टिल ये मुझे ऐसा करने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। अराउंड 11:30-12 मैं अपना ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ, ऑप्शनल मेरा स्टार्ट करता हूँ, हिस्ट्री है मेरा ऑप्शनल, एंड हिस्ट्री को मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके लेक्चर्स देखता हूँ, और कल जो मैंने पढ़ा था हिस्ट्री में उसका पहले रिविजन करता हूँ, देन मैं आज की क्लासेस का मैं कंटिन्यू करता हूँ। एंड जब वो दोनों हो जाती हैं क्लासेस, तो बेसिकली मेरा 3 डेज़ का रहता है कि 3 दिन का जो पढ़ा है उसका मैं क्वेश्चंस निकालता हूँ एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, एंड फिर जो पूरा मैंने करा एक बार मोटा मोटा मैं 1 पेज में 2 पेज में लिख लेता हूँ कि मैंने आज ये करा है। मेरा गोल ये रहता है कि मैं मंथली गोल्स बनाऊँ, क्योंकि मेरा जो अटेम्प्ट है वो है 2025 का, तो उसके लिए मेरा फोकस ये रहता है कि मैं करंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान ना देके अपने स्टैटिक पोर्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ, ताकि नेक्स्ट ईयर जब मैं करंट के लिए पढ़ाई करूँ तो मुझसे एटलीस्ट स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस कवर हो पाए। मंथली टॉपिक्स के साथ साथ मैं एक स्मॉल गोल सेट करती हूँ डिवाइड करके वीकली रूटीन पे, जैसे कि ये टास्क फॉर द वीक। आई नो कि मैं डेली गोल्स कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वीकली गोल्स मैं कैसे भी करके कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर वो मेरे मंथली एंड्स मीट करते हैं। इस हिसाब से मैं इक्वली सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दे पाती हूँ, बीट द GS और द ऑप्शनल्स। तो मैं प्लान करके चलता हूँ, एक मंथ प्लान कर लिया, उस मंथ में प्लान करने के बाद हर डे उस गोल को कैसे अचीव करना है 30th डे पे मुझे, मैं वो शेड्यूल करता हूँ। जैसे कि बोर्ड पे मैं लिख लेता हूँ हर दिन कि आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वगैरह चल रहा है, मेंस का ये सिलेबस है, एंड दिस वीक अभी जो चल रहा है फंडामेंटल राइट्स वगैरह चल रहा है, उसमें आर्टिकल 15 आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट, लाइक दैट। डेली मैं इसको 1-2 दिन में चेंज करता रहता हूँ, अपना डेली टारगेट्स में सेट करता हूँ, बट एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ वो ये है कि जो मेरा डेली टारगेट है उसको किए बिना मैं सोता नहीं, दैट्स द मेन थिंग विच आई फोकस। एक महीने का प्लान, डेली टारगेट्स, एंड डेली टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद ही सोना है, विद दैट क्वेश्चन सॉल्विंग। चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं घर से बाहर रहती हूँ तो सब काम मुझे अकेले करने पड़ते हैं, साथ ही साथ कॉलेज के साथ ऑनलाइन क्लासेस मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ऊपर से सारे सब्जेक्ट्स का प्रेशर आ जाता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि कुछ टाइम बाद, जैसे कि वीकली, मैं खुद को ट्रीट दूँ, मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, या फिर मेरी जो हॉबी है कुकिंग मैं वो ट्राई कर लेती हूँ घर पर ही, या फिर मंथ में 1 या 2 बार मैं बाहर चली जाती हूँ कोई प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए। एक सिंपल सी एडवाइस जो कि टीचर्स ने मुझे दी है, एंड वो ये थी कि ऑलवेज ट्रस्ट योर टीचर्स, ऑलवेज ट्रस्ट योर गुरुज, अपने गुरु की हमेशा बात मानो। अगर वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ आपको पढ़नी है, या फिर अगर वो पढ़ाई से भी कुछ बाहर का बोल रहे हैं, तो इट्स फॉर यू। आई ऑलवेज ट्रस्ट ऑन माई टीचर्स, आई ऑलवेज हैव फेथ ऑन माई टीचर्स, मैं हमेशा अपने टीचर्स की बात मानता हूँ। मैं आप सबसे अपनी एक टिप ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जो मुझे अनअकैडमी के एक एजुकेटर ने कही थी एक ऑनलाइन क्लास में, कि हमेशा अपना दिमाग, आँख और कान, और उसके साथ साथ अपना हाथ एक साथ चलने देना, इससे हमारा काफ़ी समय बचता है। जो भी हम सुनते हैं हमें वो सारे पॉइंट्स जो भी हमें इम्पॉर्टेंट लगते हैं वो अपने नोट मेकिंग में ऐड करने चाहिए। एक और पॉइंट, जब भी बहुत ज़्यादा नोट्स बन जाते हैं तब इन सब के बाद जब हमें रिवीजन करनी होती है तब हम उनके स्मॉल स्मॉल की पॉइंट्स एक जगह लिख सकते हैं जिससे हमें चीज़ें जल्दी याद रहें। एंड दूसरा, खुद अगर मैं कुछ एक एडवाइस दूँ तो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। हम कई बार ऐसा होता है कि हाँ पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया, ओके ओके, बट बी लिटरली वो हुआ है क्या, नहीं होता है कई बार। सो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, खुद से ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, और मेरी फैमिली ने काफ़ी मुझे एक फ्री एटमॉस्फेयर दिया है मेरी फैमिली ने कि आपको जो करना है करो, और वो भी हमेशा ये कहते हैं कि मेंटल प्रेशर आपका हमेशा जितना काम रहेगा, जितना इमोशनली आप काम रहोगे, जितना सर्कमस्टेंसेस में आप काम रहोगे इस जर्नी के थ्रू, इट्स अ लॉन्ग जर्नी,
एंड कोई गारंटी नहीं है कि क्या होने वाला है आगे, राइट? सो इसलिए काम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। जैसे कि मेरे पापा मुझे कहते हैं, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, चल सको तो चलो।